बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों 6 सितंबर के हवाले से आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। काइन मास्टर को ओपन करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे मीडिया पे जाएंगे और मीडिया पे जाने के बाद ये एक लिंक अपने यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ आप 16 रखना चाहते हैं, जितनी भी रखना चाहते हैं उतनी रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, ये इसको एडजस्ट करने के बाद आप जाएँगे लेयर पर और वहाँ से मीडिया के ऑप्शन पे जाके एक यहाँ पे इमेज है उसका लिंक यहाँ पे गिवन है, आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ से ये वाला योम दफा के वाले से इसको यहाँ पे आप ले लेंगे और इसको फिट टू स्क्रीन कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू वीडियो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इसके बाद आपने फिर मीडिया लेयर पर जाना है और लेयर पर जाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एक यहाँ पे वो कलरफुल ये वीडियो है, ये इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इस पर जा क्लिक करेंगे और इसको भी फिट टू स्क्रीन कर दें। फिट टू स्क्रीन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड से ट्रिम कर लेते हैं ताकि ये सही से फिट आ जाए। ट्रिम कर लिए, उसके बाद क्या करना है, आप इसको इस पर क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाके इस पर क्लिक किया, ये नहीं इस कलर वाले भी किया, ब्लेंडिंग पे जाएं और मल्टीप्लाई के ऑप्शन का क्लिक कर दें। क्लिक कर दिए जी। अगर इस पर चेक करने, अगर अब आप इस पर नाम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जाना है अपने पिक्सल लैब, एक आपके पास है पिक्सल लैब के नाम से एक आपके पास ऐप है, उस पर जाएंगे और उस पर क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे जी, न्यू इमेज पे यहाँ पे जाके आपने ये ऊपर ग्रीन कलर की स्क्रीन वगैरह जिस पर क्लिक करें और न्यू टेक्स्ट इसको डिलीट करें और यहाँ पे नीचे एक बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। एक ही बटन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको करना है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है, नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, नाम लिखने के बाद आप इसको डन करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से इस टैब पे क्लिक करेंगे, ये जो नीचे आपको पेंटागॉन यहाँ से आप फॉन्ट और इसके साथ इसको ऊपर फ्लॉपी डिस्क नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज कर लेंगे। तो सेव करने के बाद दोस्तों क्या करना है, सेव करने के बाद आप वापस अपने काइन मास्टर पर आएँगे और काइन मास्टर पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर इमेज के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास इमेज सेव हो चुका है, उस पर जाकर क्लिक कर लेंगे और इसकी लेंथ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है जी, लेंथ को बड़ा करने के बाद अब क्या कर देंगे कि अब आप हम इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं कैसा। तो ये दोस्तों आपके सामने प्ले हो चुका है। अब इस पर हमने क्या करना है जी, ऑडियो के बटन पर क्लिक करके आप जो भी आपको साउंड पसंद है वो आप इस पर, तो मैं इस पर चेक कर लेता हूँ कौन सा साउंड है, ये जो भी साउंड है मैं इस पर क्लिक कर लूँ, ये प्लस के बटन पर ऐड कर देना है और यहाँ पे साउंड आपकी एंटर हो जाएगी। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।